हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लिस्ट ऑफ जीएमपी डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री। तो इस वीडियो में हम मोस्टली ये जानेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया जाता है, कौन कौन से जीएमपी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किया जाता है। ये अक्सर ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कंपनी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करते हैं जीएमपी का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट हर पेज पे लेते जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट मेंटेन किया जाता होता है एच यू फिल्टर क्लीनिंग रिकॉर्ड, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल और उसका रिकॉर्ड, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एसओपी विद चेकलिस्ट। ओके, हर मशीन का एसओपी होता है, फिर उसका चेकलिस्ट होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, देन फ्लाई किलर क्लीनिंग रिकॉर्ड। ये डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी में एचआर मेंटेन करता है, किसी किसी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है उसमें कौन सी पॉलिसी है, कहीं एचआर मेंटेन करता है इसको, कहीं कहीं इसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। देन डीएम प्लांट और प्योरीफाइड वाटर सिस्टम लूप सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड, जो प्योरीफाइड वाटर लूप होता है उसका सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसका मंथली बेसिस पर सैनिटाइजेशन किया जाता है, इसका रिकॉर्ड होता है। देन आर ओ एन यू एफ सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड, अगर हमारे आपके आर ओ वाटर सिस्टम में प्योरीफाइड वाटर सिस्टम है तो उसमें आर ओ और यू एफ है तो उसका भी सैनिटाइजेशन रिकॉर्ड होता है। देन प्योरीफाइड वाटर सिस्टम ऑपरेटिंग लॉग बुक, जो डेली ऑपरेटिंग लॉग बुक होता है उसमें प्रेशर वगैरह होता है, वो प्रेशर फ्लो मीटर का रीडिंग होता है, वो नोट किया जाता है इस लॉग बुक में। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ईटीपी ऑपरेटिंग लॉग बुक। तो ये किसी किसी कंपनी में ईटीपी डिपार्टमेंट एक सेपरेट होता है या ईएचएस डिपार्टमेंट होता है वो उसको मेंटेन करता है, या फिर नहीं है तो मेंटेन डिपार्टमेंट इसका लॉग बुक मेंटेन करता है। ओके, देन बॉयलर चिलर एंड एयर कंप्रेसर ऑपरेटिंग लॉग बुक, ये यूटिलिटी का लॉग बुक होता है, ये तीनों का अलग अलग लॉग बुक होता है, बॉयलर का लॉग बुक, चिलर का लॉग बुक एंड एयर कंप्रेसर का ऑपरेटिंग लॉग बुक। देन सॉफ्टनर रीजनरेशन रिकॉर्ड, सॉफ्टनर का हम रीजनरेट करते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है, हमने कब कब उसको रीजनरेट किया। देन वेन फिल्टर टेस्टिंग रिकॉर्ड एंड रिप्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो हमारा प्योरीफाइड वाटर टैंक के ऊपर जो वेन फिल्टर लगा होता है वो इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, इसका टेस्टिंग होता है, इंटीग्रिटी टेस्ट किया जाता है और उसका अगर फेल हो जाता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये दोनों का रिकॉर्ड होना चाहिए, टेस्टिंग का रिकॉर्ड और रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। देन एच यू ऑपरेटिंग लॉग बुक, देन एच यू फिल्टर रिप्लेसमेंट रिकॉर्ड, हम फिल्टर रिप्लेस करते हैं उसका एक रिकॉर्ड होता है। देन यूवी लाइट रिप्लेसमेंट रिकॉर्ड, जो हमारा प्योरीफाइड वाटर सिस्टम में यूवी लाइट लगा होता है उसका रिप्लेसमेंट रिकॉर्ड होता है। देन यूवी लाइट बर्निंग आवर्स रिकॉर्ड, जो हमारे यूवी लाइट होता है उसका बर्निंग आवर्स, हमारा जनरली 7000 बर्निंग आवर्स पे, तो जो हमारा यूवी लाइट होता है उसका बर्निंग आवर्स 7000 आवर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद हमको रिप्लेस करना रहता है, तो इसलिए इसका हम बर्निंग आवर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देन हमारा टैंक क्लीनिंग रिकॉर्ड होता है, जो हमारे ओवरहेड टैंक होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, या जो भी हमारे टैंक होते हैं उनका क्लीनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। देन हमारे जो मशीन होते हैं प्लांट के अंदर मशीन बैठाए होते हैं उनका फैट, यूआरएस, डीक्यू, आईक्यू, ओक्यू, डीक्यू मीन्स डिजाइन क्वालिफिकेशन, आईक्यू मीन्स इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ओक्यू मीन्स ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड पीक्यू मीन्स परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मेंटेन करना रहता है एक सारे मशीन्स का। देन एरिया वैलिडेशन रिकॉर्ड, जो हमारा एरिया होता है कोई नया एरिया बनाया गया हुआ हो या मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसका वैलिडेशन रिकॉर्ड, उसमें क्या होता है इंटीग्रिटेड, उसका उसमें इंटीग्रिटेड टेस्ट होता है, फ्लो पैटर्न टेस्ट होता है, टेम्परेचर मैपिंग होता है, पार्टिकल काउंट टेस्ट होता है, आरएच एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है, ये सारे रिकॉर्ड उसके अंदर होते हैं एरिया वैलिडेशन रिकॉर्ड में। ओके, देन हमारा डिपार्टमेंटल ऑर्गेनोग्राम है, जैसे कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट तो उसमें कौन कौन लोग हैं, उनका पोजिशन क्या है, ये सब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनोग्राम में एक फ्लो चार्ट होता है। देन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टाफ एंड टेक्नीशियन, जो हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी स्टाफ और टेक्नीशियन हैं उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो एचआर के पास बना के एचआर के पास सबमिट करना रहता है। देन एसओपी ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो हमारा जितने भी एसओपी होते हैं उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड, और जो हमारा ऑन जॉब मतलब जैसे कि ऑपरेटर है चिलर का ऑपरेटर, तो उसका ऑन जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। देन इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेंटेनेंस का। देन इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, सेंसर्स, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए, इक्विपमेंट लिस्ट होना चाहिए, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है उसका लिस्ट होना चाहिए उसका इक्विपमेंट आईडी के साथ। देन लिस्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स,
हमारे पास कितना फायर एक्सटिंग्विशर्स है उसका लिस्ट होना चाहिए। तो अगर हमारे कंपनी में सेफ्टी डिपार्टमेंट है तो कहीं कहीं सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट नहीं है तो एचआर मेंटेन करता है, या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करते हैं, हर जगह अलग अलग होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।